नमस्कार दोस्तों जय श्री राम मामला देश में अब नए लेवल पर जा चुका है हमारे देश में बहुत सारे लोग चाहते हैं ये सिद्ध करना कि भगवान श्री राम मीट खाते थे मांस खाते थे ऐसा वो सिद्ध करना चाहते हैं और इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो ना तो हिंदू हैं ना हिंदू को जानना चाहते हैं जिनके अजीब अजीब विचार हैं जो श्री राम को मानने से भी इनकार करते हैं भाई हद है तो आपकी बदतमीजी को उनमें से एक ये वेबसाइट है द वायर जो इसने कभी भी हमारे देश के पक्ष में कभी नहीं बोला हिंदुओं के पक्ष में इसने कभी नहीं बोला सनातन हिंदुओं के पक्ष में इसने कभी नहीं बोला भारत देश के पक्ष में इसने कभी नहीं बोला मतलब ये वेबसाइट जो है द वायर कभी भी भारत के पक्ष में नहीं बोलती है ये हमेशा जो भारत विरोधी तत्व हैं जो हिंदू विरोधी तत्व हैं उनके ही पक्ष में हमेशा बोलती है यहाँ कोई कुछ ज़्यादा ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने ये ब्लॉग पोस्ट लिखी है जिसमें यह सिद्ध करने की कोशिश करी है कि श्री राम मांस खाते थे राइट ये सिद्ध करने की कोशिश की है बट पूरे ब्लॉग में इतनी मेहनत से ये लिखा है इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में वो कहीं भाई सिद्ध नहीं कर पाया कि भगवान श्री राम मीट खाते थे मतलब अपनी बात कहनी है मार्केट में प्रोपोगंडा फैलाना है जिससे कि मार्केट डिस्टर्ब होती रहे तो आपको समझना है कि उसने बहुत बड़ी पोस्ट लिख दी द वायर लिख दी लोग इसका ना वो भी दे रहे हैं कि हाँ देखो द वायर पर छपा हुआ है मानो मत मानो भगवान श्री राम मीट खाते थे अच्छा तुम्हारे कैसे मान लेंगे तुम साले हिंदू नहीं हो तुम्हारा अधिकार क्या है इस पर बोलने का पहली बात तो यह है तो भैया औकात में रहो तुम ना तो हिंदू हो ना हिंदुओं हिंदु को जानते हो और तुम रामायण इसने इसने एक जगह लिखा है कि ये महर्षि वाल्मीकि रामायण को ऐसे पढ़ता है जैसे कविता हो यानी ये मानता नहीं है मतलब बदतमीजी की हद है भाई तो तुम मानते नहीं हो जानते नहीं हो ऊपर से कमेंट भी कर रहे हो तो अपना 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 ज्ञान अपनी जेब में रखो ना भाई तुम और ये कौन है भाई इसका नाम बताता हूँ आपको इसका नाम बताता हूँ शुद्ध व्रत सैन गुप्ता शुद्ध व्रत सैन गुप्ता तो नाम से तो भाई साहब लग रहे हैं भारतीय बट है, ये भारतीय है नहीं इनका बिक चुका है भारतीयपन मतलब उसको साइड में रख चुके हैं ये भारत विरोधी हो चुके हैं पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुके हैं शायद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते होंगे देखो इन्होंने कितनी बदतमीजी की बात यहाँ लिखी है हिंदुत्व तो इज़ बोरिंग हिंदुत्व तो बोरिंग है सोललेस है मोनोटानस है बोरिंग है रिपीटिव है और मतलब इन्हें कुछ फन चाहिए जो हिंदुत्व में नहीं है समझ रहे हैं आप कितनी बदतमीजी वाली बात इन्होंने छापी है अपनी वेबसाइट पर द वायर वालों ने तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और जैसे नेटफ्लिक्स ने वो मूवी अपने वहाँ से हटाई है इसी प्रकार ये ऐसी वेबसाइट भारत में बैन होनी चाहिए जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलती हैं दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल ये तो महावत है शर्म आनी चाहिए इस वेबसाइट को और इस वेबसाइट को बैन होना चाहिए भारत देश में नमस्कार जय हिंद जय भारत